तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं कि आप अपनी पहली पुशअप कैसे कर सकते हो। ये कंप्लीट बिगनर गाइड होगी उन लोगों के लिए जिनने कभी अभी तक पुशअप करी नहीं है ना कर पाते। तो इस वीडियो में आप पुशअप करना सीखोगे और पुशअप्स की वेरिएशन भी सीखोगे। तो बने रहे वीडियो में अगर चाहते हो आप अपनी पहली पुशअप करना, और चलते हैं पहले स्टेप की तरफ। तो हमारी पहली पुशअप की वेरिएशन रहेगी वो है वॉल पुशअप। इसमें आपको एक वॉल पे पुशअप करनी है कम से कम 20 से 50। इतनी पुशअप आपको करनी है, बहुत ही नॉर्मल है, बेसिक है, आप कोई भी कर सकता है इसको, भले ही आप मेल हो फीमेल हो कोई भी, ठीक है। आप अगर एक भी पुशअप नहीं कर पाते तो भी आप इसको कर पाओगे। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, आपको बहुत ही नॉर्मल तरीके से पुशअप करनी है वॉल पे। आपको ऐसा फील करना है कि मैं जैसे वॉल है उसको धक्का दे रहा हूँ, मतलब उसको पुश कर रहा हूँ। वो हो गई आपकी वॉल पुशअप। तो हमारी सेकंड वेरिएशन रहेगी पुशअप की, वो रहेगी हमारी इंक्लाइन पुशअप। ये भी बहुत इजी है अगर आप बिगनर हो, और जैसे मान लीजिए आपने जो वॉल पुशअप है उसके 20 से 50 रैप कर पा रहे हो एक बार में, तो आप इस पर स्विच कर सकते हो। इस पर आपको क्या करना है, आपको एक एलिवेटेड सरफेस लेना है, ज़मीन से थोड़ा ऊँचा होना चाहिए वो। वो आप टेबल, ड्रॉअर और दीवार वगैरह कुछ भी हो सकती है, छोटी होनी चाहिए बस इतना कि आप ज़मीन से 1-2 इंच की ऊँचाई पर रहो। उस पर आपको पुशअप परफॉर्म करनी है नॉर्मली, और ये भी बहुत ईजी है, बेसिक है। अगर आप इसके भी मान लीजिए 20 से 50 कर पा रहे हो एक बार में, तो आप अपनी नेक्स्ट वेरिएशन जा सकते हो। तो हमारी थर्ड वेरिएशन रहेगी नी पुशअप। तो नी पुशअप आपको कैसे करनी है, आपको नॉर्मल अपने पुशअप के फॉर्म में आना है, और आपको अपने नी को फोल्ड करना है जैसे आप घुटने पे बैठते वैसा करना है, और फिर आपको पुशअप परफॉर्म करनी है। अगर आप इसके भी 20 से 50 रेप कर पा रहे एक बार में, तो आप नेक्स्ट वेरिएशन पे स्विच कर सकते हो। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि पुशअप का सही फॉर्म क्या होता है, सही फॉर्म क्या होता है, उसको सही करने का तरीका क्या होता है, वो तो मैं एंड में बताऊंगा। और जब तक वेरिएशन देख लेते हैं, ये एक स्टेप है, आपको इन स्टेप में चलना है। पहले 1, 2, 3, 4, 5, अगर ऐसे करोगे तो आप इंजरी नहीं होगी। तो हमारी नेक्स्ट और फाइनल वेरिएशन रहेगी वो रहेगी हमारी नॉर्मल पुशअप। जो आपकी नॉर्मल पुशअप होती है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, और आप ये रहती है आपकी नॉर्मल पुशअप। इसको भी करना इजी रहता है उन लोगों के लिए जो पिछली जो वेरिएशन थी उनको अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, उनके लिए ये भी बहुत आसान रहती है। तो हमारी लास्ट वेरिएशन रहेगी वो रहेगी बहुत एडवांस है ये। अगर आप इन सब पुशअप्स के 50-50 रैप कर पा रहे हो तभी आप इस पर स्विच हो, और तभी आप इनको इंप्लीमेंट करो अपने वर्कआउट में। आपकी अलग अलग वेरिएशन रहती हैं, इनको इनके नाम में डाल दूंगा, ये कुछ वेरिएशन रहती हैं। तो अब बता दें कि पुशअप करने का सही तरीका क्या होता है। तो ये भी बहुत आसान है, अगर आप एक बार सीख गए तो आप लाइफ टाइम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपने जो आर्म है उसको अपने शोल्डर, जैसे आपकी जो शोल्डर लेंथ है उससे हल्का सा वाइड रख के जमीन पे ऐसे लेट जाना है, बस उसको आपको ऊपर नीचे करना है, हो गई आपकी पुशअप की वेरिएशन। और वीडियो में देख सकते हो आपकी इसको कैसे परफॉर्म करना है आपको, ये भी बहुत आसान है। अगर आप एक बार इसको सीख गए पुशअप करना, तो आप लाइफ टाइम इसको भूलोगे नहीं, बस स्टार्टिंग में दिक्कत आती है आपको कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद सब अच्छा ही रहता है। और हाँ, मैं एक और बार बता दूँ, अगर आपको चाहिए एक इंटरमीडिएट सीरीज जिसमें मैं डंबल और बारबेल, मतलब एट होम वर्कआउट बताऊँ डंबल और बारबेल से, तो उसके लिए कमेंट करो, बना देंगे। और हमारा Q&A तो आ ही रहा है, अगर आप पार्ट लेना चाहते हो तो जैसे जैसे मैंने बताया आपको वैसा वैसा करना है। आपको कुछ नहीं करना, #UVFit कमेंट करना है यहाँ पे, या मेरी इंस्टा पोस्ट पे कमेंट करो, मैं उनमें से क्वेश्चन उठाऊंगा। तो जैसे हमारे 1000 सब्सक्राइबर होंगे वैसे ही Q&A आएगा, और Q&A में ही विनर डिसाइड होगा। तो उसके लिए कमेंट कर दो और इंस्टा भी फॉलो कर लो। मैं मिलूंगा आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। पुशअप लगाते रहे ना, ठीक है।